नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बायोलॉजिस्ट डेटा में आप सभी का स्वागत है। बीएड वर्सेस डीएलएड के मामले में हाल ही में क्लैरिफिकेशन याचिका के बाद सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि उन बीएड जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी बनी रहेगी, जिनका जो नियुक्ति है वो अगस्त 2023 के फैसले के पहले हुई है और बाकी जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग। परंतु जो ऑलरेडी शिक्षक बीएड करके जॉब में है उनके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था ब्रिज कोर्स का, तो उसको लेकर फाइनली आदेश जारी हो गया है और वही यहाँ पर खुशखबरी के रूप में देखने को आप बीएड छात्रों के लिए देखने को मिलेगी कि बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक है उनके अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को इसको लेकर के आदेशित फाइनली जो है वो कर भी दिया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त जो शिक्षक हैं उनके 6 महीने का जो प्रशिक्षण है उसके लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स जो है वो तैयार करें। तो 1 साल का समय यहाँ पर दिया गया है। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में एक कोर्स तैयार करने को लेकर के कहा है, तो शिक्षा मंत्रालय को भी इसमें मार्गदर्शन के रूप में कहा गया है। पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक किया जाएगा और तय समय सीमा में संबंधित बीएड डिग्रीधारी जो शिक्षक हैं उनको उसे जो है वो पूरा करना होगा। यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं या फिर तय समय सीमा में उसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ये आदेश देश भर के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होगा। ऊपर देखेंगे तो 2011 में पुराने पाठ्यक्रम पर हुआ था प्रशिक्षण, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षक भर्ती में भी चयनित 66,655 शिक्षकों को 6 महीने का प्रशिक्षण कराया गया था। उस समय बेसिक शिक्षा विभाग ने जो चयनित शिक्षक है उनको विशिष्ट PTC का पुराना 6 माह का प्रशिक्षण करा दिया था। उनकी परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को दी गई थी। अगली देखेंगे अपडेट तो वो भी इसी से संबंधित है कि ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले बाहर। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं उनके अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा और वही बात यहां पर भी बताई गई है कि 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करें और पाठ्यक्रम तैयार होने के बाद उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा। तय समय सीमा में अगर बीएड डिग्रीधारी शिक्षक उसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल या तो फिर नहीं होते हैं या फिर तय समय सीमा में उसे पूरा नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में उनकी जो मान्यता है उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। यही चीज यहाँ भी लिखी हुई। यही था अभी तक के ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।